तो देश में आज से लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। करीब 17 करोड़ वोटर्स अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बिहार की 4 सीटों पर भी आज मतदान डाले जा रहे हैं और बिहार के गया से हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रमोहन भी मौजूद है। तो चंद्रमोहन जी, पहले तो किस तरह की सिचुएशंस अब तक देखने को मिल रही हैं और कैसा रुझान है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए गया के कॉलेज में मौजूद है जहां पर फर्स्ट टाइम वोटर और साथ ही जो पहले से वोट देते आ रहे हैं वो यहां पर मौजूद है। तस्वीर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। गया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसलिए अभी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन जैसे ही 3 बजेगा उसके बाद से फिर से एक बार ये संख्या बढ़ेगी और खासा, एक तरफ महिलाएँ तो दूसरी तरफ पुरुष, संख्या लगभग बराबर है जहां पर दोनों लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। गया काफ़ी सेंसिटिव जगह माना जाता है, 995 ऐसे बूथ हैं जो पूरी तरीके से सेंसिटिव हैं और ऐसे में उन जगहों पर सुबह 7 बजे से लेकर और 4 बजे तक मतदान होंगे और बाकी जो जगह हैं उन सभी जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए पहली बार आपने वोट दिया है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले जब मम्मी पापा वोट करने जाते थे तो ऐसा हम लोग सोचते थे कि कब हम लोगों को भी मौका मिलेगा कुछ करने का देश के लिए, तो आज जब पहली बार वोट किया तो अच्छा लग रहा है। क्या मन में चल रहा है जब वोट देने पहुंची थी, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है? बस देश हित के लिए जो भी बेहतर कर रहा है उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से वोट कर रहा है। ये बताइए आपने वोट कर दिया है, मन में क्या चल रहा है, क्या सोचकर आपने वोट किया है? देश हित के लिए मैंने वोट किया है। आपने वोट कर लिया? हाँ बिल्कुल, देश हित के लिए किया है, जो देश के लिए बेहतर करे, सब लोग खुश रहे देश में उसी के लिए। मुद्दे क्या रहे जिसको लेकर आप आज अभी बटन दबाए हैं और उसके बाद फिर बाहर आए हैं? सबसे पहले तो उंगली दिखा दीजिए जो आपने वोट किया है। देश मोदी जी के राज्य में विकास कर रहा है, विकास के देश हित में हम लोग वोट किए हैं और मोदी जी की फिर सरकार बनेगी। क्या मन में चल रहा है, अभी मुस्कुरा भी रही हैं? महिलाएं सुरक्षित हो देश में और देश सुरक्षित हो और यहाँ के जितने महिलाएं हैं या बेरोजगार हैं रोजगार मिले, इसीलिए मैं सोच करके वोट की हूँ। आपकी वोट बेटी ये कह रही थी कि जब आप लोग वोट पहले करने आते थे तो देखकर ये भी सोचती थी कि कब वोट करेंगी, आज पहली बार वोट भी कर दी है, क्या सोचकर आप अभी मतदान किए हैं? एकमात्र मुद्दा देश हित के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ मैंने जीतन राम मांझी को वोट दिया। ये नहीं बताना है कि आपने किसको वोट किया है और किसको वोट नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर पहली बार वोट करने के बाद आपको एक सेल्फी लेने का भी मौका मिलेगा। जिला प्रशासन के तरफ से ये पिंक बूथ बनाया गया है जहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं और उसके बाद वोट करने के बाद अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। बिहार के 4 जिले में अभी मतदान चल रहा है जिसमें गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में वोट पड़ रहे हैं और लगभग परसेंटेज की बात करें तो 15 के आसपास, कहीं 15, कहीं 16 और कहीं 14, यहां पर 14.5% अब तक मतदान हुआ है और हो सकता है कि 2 बजे के बाद एक बार फिर से ये संख्या बढ़े, लोगों का तादाद बढ़े, लेकिन अभी काफी गर्मी होने की वजह से तकरीबन कल तक 40 और 41 डिग्री तापमान चला गया था 2 बजे तक, इसलिए हो सकता है कि अभी संख्या कम है, लेकिन आने वाले वक्त में जो अभी 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद यहाँ पर एक बार फिर से लंबी तादाद देखने को मिल सकता है और लोगों में एक निश्चिंतता जो तो ज़रूर देखने को मिल रही है। चाहे अगर हम सुबह की बात करें, जब सुबह 6 बजे निकले थे उस समय भी भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए लोग केंद्र पर पहुँचे थे और उसके बाद लोग सीधे तौर पर अपनी बात रख रहे थे और जो पहली बार वोट देने की होड़ मची थी वो भी दिखाई दिया यहाँ पर गया के बूथ पर। और सुबह 6 बजे जो लोग पहुँचे थे उनके मन में सीधी एक ही बात था कि पहले मतदान करना है और उसके बाद जलपान करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आगे भी आपसे हम समय समय पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन CNBC आवाज़ की आप सभी से एक अपील है कि आप वोटर्स भी जाकर सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अब तक अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आप सबसे पहले जाके वोट ही दीजिए और आपके दिए हर वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने और मतदाता होने पर गर्व महसूस करें। और सबसे पहले अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है तो सारे काम छोड़ के पहले ये काम करिए, उसके बाद अपने बाकी कामों को आप
तवज्जो दीजिएगा।